नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे नए मेहमान पार्ट के सही विकल्प जो मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सी कक्षा में? 12वीं हिंदी मीडियम में पूछा जाता है। ये पेज नंबर 37 पर लिखा हुआ है। पार्ट का नाम है नए मेहमान। तो हम इसके सही विकल्प पर नजर डालेंगे। नए मेहमान पार्ट गद्य की कौन सी विधा है? नए मेहमान जो पार्ट है ये गद्य की कौन सी विधा है? ये नाटक है, ये कहानी है, ये उपन्यास है, या जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है? तो ये क्या है? तो क्या है ये? एकांकी। नए मेहमान गद्य की विधा है एकांकी। एक अंक के नाटक को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। नए मेहमान पार्ट के रचयिता कौन है? नए मेहमान पार्ट जो है इसके लेखक कौन है, एकांकीकार कौन है? तो कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट सफल नाटककार हैं। उदय शंकर भट्ट क्या है? सफल नाटककार हैं। नए मेहमान एकांकी किस प्रकार की एकांकी है? ये मनोवैज्ञानिक एकांकी है, ये पारिवारिक एकांकी है, या सामाजिक एकांकी है, या फिर यथार्थवादी एकांकी है? तो क्या है ये? सामाजिक एकांकी। मतलब ये एकांकी समाज को आईना दिखाती है। चौथा है, नए मेहमान एकांकी में कौन सा तत्व मौजूद है? यानी कि एकांकी तो हो गई सामाजिक, परंतु इसके अंदर कौन सा तत्व मौजूद है? तो इसमें है मनोतत्व, यानी कि इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व मौजूद है और व्यंग का भी समावेश है। जब ये एकांकी धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ती है तो इसमें चुटीली भाषा का समावेश हो जाता है और व्यंग तत्व का समावेश हो जाता है। मतलब प्रहसन, प्रहसन मतलब हंसी मजाक। फिर है पांचवा, एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि ये जो नए मेहमान एकांकी हैं, इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो इसके प्रमुख पात्र हैं विश्वनाथ जो गृह स्वामी हैं, रेवती जो गृह स्वामिनी हैं। फिर है छठा, अचानक पधारे हुए मेहमानों का नाम बताइए। यानी कि रेवती और विश्वनाथ के घर में गर्मी के दिनों में अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो इन मेहमानों का नाम क्या है? तो इन दोनों मेहमानों का नाम था नन्हेमल और बाबूलाल। क्या है? नन्हेमल और बाबूलाल। नन्हेमल और बाबूलाल कहाँ से आए थे, यानी कि कौन से शहर से ये आए थे रेवती और विश्वनाथ के यहाँ पर? तो कौन से शहर से आए थे? बिजनौर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर है आठवां, दोनों को कहाँ जाना था? यानी कि नन्हेमल और बाबूलाल गलती से कहाँ पहुंच गए थे? रेवती और विश्वनाथ के यहाँ पहुंच गए थे, परंतु इनको जाना कहाँ था? तो इनको असल में जाना था कविराज रामलाल वैद्य जी के यहाँ पर जाना था। फिर है नामा, विश्वनाथ जी अपने मकान को क्या कहकर संबोधित करते हैं? विश्वनाथ जी अपने मकान को क्या कहकर संबोधित करते हैं? तो क्या कहते हैं? भट्टी। यानी कि गर्मी के दिनों की बात है और किराए के मकान में वो रहते थे, छोटा सा मकान था, तो बोलते हैं भगवान ये मकान है या भट्टी। रेवती अपने मकान को क्या कहकर संबोधित करती है? विश्वनाथ जी तो अपने मकान को कहते हैं भट्टी, और रेवती अपने मकान को कहती है कि मकान है कि जेल खाना, के दम घुटा जा रहा है। फिर ग्यारहवां, ये जो साहित्यिक है इसे इस प्रकार ही लिखा जाता है, ठीक है? जैसे शुद्ध वर्तनी में आपसे पूछा जाए कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला है, अंत में जो रेवती और विश्वनाथ के यहाँ पर मेहमान आया था वो कौन था असल में? तो वो असल में रेवती का ही भाई था, जो आगंतुक आया था। आगंतुक कौन था? रेवती का भाई। अगर आपने 12 सही विकल्प याद कर लिए तो आपका पेपर बहुत ही सरल हो जाएगा। और अब तो बोर्ड ने नया नियम लगा दिया है कि सही विकल्प के ही एग्जाम होंगे। धन्यवाद।